तो हाय फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को अंदर किला दिखाते हैं। तो दोस्तों एक किला, एक धरोहर, प्राचीन धरोहर है जो मुगल शासक के दौरान बनाई गई थी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक किला कितना पुराना है। एक किला फिरोज खान द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं दीवार, जो पता नहीं क्या अंदर एक दरवाज़ा है, गुप्त पता नहीं क्या है उसके अंदर, जो कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता इसके बारे में। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो एक किला जो है, पहले अंग्रेज़ से पहले जब मुग़ल आए थे हमारे देश में, तो तब उन्होंने किला बनवाया था। फिरोज खान शाह जो है, उसने किला बनवाया था। तो वीडियो एंजॉय करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो हम लोग आ गए हैं एक जो मस्जिद की टाइप है, मकबरा है क्या है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये मकबरा आप लोग देख लीजिए जो बना है, और ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। यही है, बीच में बना है, तो इसके अंदर जाना मना है, इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते, बाहर से ही देख लो। इसको पार्क टाइप बना दिया गया है, दूर दूर तक बहुत पब्लिक दिख रही है दूर दूर। अभी तो दोपहर का समय है, कम है पब्लिक, इन शाम के टाइम में यहाँ और पब्लिक आती है। दोस्तों आप लोग भी आ सकते हैं। इस किले में आने के लिए एंट्री टिकट लगेगा 30 रुपये पर पर्सन। हम लोग 2 लोग थे तो 60 रुपये लगे थे। गुप्त दरवाज़ा जो है दोस्तों, उसके अंदर पता नहीं क्या है, 2-3 दरवाजे हैं यहाँ पे, जो इसलिए बंद कर दिया गया ताकि इस अंदर पहले खुला था तो लोग जाते थे तो अंदर गायब हो जाते थे, इसलिए अंदर तहखाना या दरवाज़ा जो है उसको बंद कर दिया गया। तो हम लोग आ चुके हैं, एक कुछ बना है, तो यहाँ पे एक पुराना कुआँ है जो शासक मुग़ल आए थे उनके द्वारा बनवाया गया था पहले। तो एक जो ये आप लोग देख सकते हैं, एक मकबरा टाइप बना है, तो ये भी किले के अंदर है। तो हर जगह जाना दोस्तों परमिशन नहीं है, इसलिए दिखा नहीं सकते हर जगह, लेकिन इसके अंदर हम लोग मकबरे की जो बना है अंदर जाने के प्रयास करेंगे, आप लोगों को अंदर का भी व्यू दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, एंजॉय करिए। यहाँ कोई गाइड नहीं है जिससे हम पूछ सकें, नहीं तो आप लोगों को और डिटेल में हम समझाते, जितना जानकारी है आप लोगों को उतना बता दे रहे हैं। तो
किले के शाही किला जो है दोस्तों, इससे ऊपर से पूरा शहर दिख रहा है। वो आप लोग देख सकते हैं, शाही पुल जो है जहां हम अभी जाएंगे उसको भी दिखाएंगे, शाही पुल को भी। तो आप लोग शाही पुल देख लीजिए, ये पूरा शहर जौनपुर सिटी दिख रही है। पूरा जौनपुर शहर दिख रहा है। तो दोस्तों एक ये कुछ अंदर है गुफा टाइप का, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि जाना मना है। बस बाहर से ही दिखा देते हैं। आप लोग बताइए क्या हो सकता है वीडियो में, कमेंट करके। हर जगह परमिशन नहीं है, तो चलिए चलते हैं बाहर। वीडियो में आप बने रहिए। तो आ चुके हैं, एक और कुछ ये बना है किले के अंदर। तो इस वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगर अंदर जाने को मिल जाता है परमिशन तो अंदर भी चल के आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो अंदर का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। ये अंदर पहले दोस्तों इसी तरह से राजा महाराजा जो थे अपने राज्य के अपने सेफ्टी के लिए बनवाया करते थे। तो देख लीजिए यहाँ पे पब्लिक भी अंदर एंजॉय कर रही है। तो आप लोग भी अंदर का किले के अंदर का नज़ारा देख लीजिए। बहुत शानदार बना है इसकी कलाकृतियाँ, और मोटे मोटे पत्थरों से बनाया गया है। तो एक कुंड है एक कुछ, और छोटे छोटे यहाँ पे रास्ते बने हैं। तो देख लीजिए सब। तो ये सब खाना खाना करके इसी तरह से सब तीन चार रूम की टाइप बनाया गया है। यहाँ से नज़र रखने वाला है ताकि बाहर कौन है क्या हो रहा है एक्टिविटी अंदर से देख सकें। तो पूरा नज़ारा आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए ऊपर का गुंबद टाइप जो बना है ऊपर। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने ये जो शाही पुल भी देख लिया, आप लोगों को मैंने किला भी दिखाया और शाही पुल भी दिखाया। तो आवाज़ दोस्तों बैकग्राउंड की थोड़ा ज़्यादा आ रही होगी, तो आप लोग ये शाही पुल एक बार नीचे से इधर से देख लीजिए। पानी नदी का सूख चुका है, थोड़ा अभी पानी है लेकिन पूरा पानी नहीं है। तो ये शाही पुल है, देख लीजिए दोस्तों ये नदी है। तो दोस्तों यहाँ आकर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा। तो अब दोस्तों चलते हैं, कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे और एंड करके चलेंगे घर। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।